नमस्कार दोस्तों, मैं राशि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने से हर मनोकामना पूरी होती है। इस दिन भक्त व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। भादपत्र कृष्ण अष्टमी को हर साल कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस साल यानी 2022 में जन्माष्टमी का पर्व 18 और 19 अगस्त 2022 को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भगवान प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। तो आइए जानते हैं कि शुभ मुहूर्त कब है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भादपत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 18 अगस्त को रात 9:21 से शुरू हो जाएगी। वही भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की समाप्ति 19 अगस्त को रात 10:49 पर होगी। आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत कैसे रखें। दोस्तों, जन्माष्टमी का व्रत बहुत ही पवित्र होता है। कहा जाता है इस व्रत को रखने से सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन बाल गोपाल के जन्म दिवस पर लोग उपवास करते हैं, पूरे दिन निर्जला भी रहते हैं। कई लोग इस दिन फलाहार करके भी भोजन को तोड़ते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में जन्माष्टमी के व्रत को बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, बैंगन, मूली आदि का त्याग कर देना चाहिए और सात्विक भोजन करने के बाद ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन शराब मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने, जन्माष्टमी के व्रत का संकल्प ले, पूरा दिन फल आहार करें, रात 12 बजे भगवान के जन्म के बाद व्रत पालन करें यानी व्रत का उद्यापन करें। इस दिन व्रत रखने वालों के लिए कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पूरा दिन जल ग्रहण करने की छूट होती है, लेकिन सूर्यास्त के बाद यानी सूर्य ढलने के बाद भगवान के जन्म के समय जल ग्रहण करना वर्जित होता है। कहा जाता है तब जल पीना अच्छा नहीं माना जाता। इसके साथ हम आपको बताएंगे कि इस दिन कैसे पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूजा करने से पहले भगवान श्री कृष्ण का पूरा श्रृंगार होता है। उन्हें झूले में बैठाया जाता है, उन्हें झूला झुलाया जाता है, नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। श्रृंगार करने के बाद उन्हें अक्षत और रोली का तिलक लगाया जाता है। यही नहीं, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को वैजयंती के फूल अर्पित करने का सबसे शुभ दिन ये माना जाता है, इसलिए इस दिन वैजयंती के फूल जरूर अर्पित करें। इसके साथ भगवान श्री कृष्ण को माखन, मिश्री और पंचा अमृत का भोग जरूर लगाएं। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा करते वक्त कृष्ण के विशेष मंत्रों का जाप भी जरूर करें। पूजा के बाद भगवान श्री कृष्ण को लगाया गया भोग सभी को प्रसाद के रूप में बांट दें। तो दोस्तों, ये थे कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत की सही विधि।